केनों से खार कसमो जे आईडब्ल्यूएटी नी जनरल सेक्रेटरी चीनी बरम मेरी देव बर्मा तेब तंग जगह डिविशन कमलपुर डिविशन आईपीएफटी नी प्रेसिडेंट तेब बंगी लगी जे आजागा आईपीएफटी नी सामुखलाइटने व्यवहार नो चीनी बुबाग्रानी नहारमू ग्रेटर त्रिपुरालैंड नामजागरी बुबाग्रा नामजागरी बड़ोनी अजागा पेलेसो राजबारी फाई मानजा फाइजा चीनी मुखुजुग बतंग अजागा चीनी मेरी देव बर्मा दंग चीनी दा मानवेंद्र देव बर्मा प्रेसिडेंट अजागानी कमलपुर डिविशन सी सी मेम्बर बर्म जो खाबाई खुबाई तीन अजागा बर्म लामसगो जो प्रेस मीटनी बिशंती अमन सामने चुगो जत त्रिपुरा जो खानसा नांगो जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड बगे जो अम हाइन जत डिविशन सारा त्रिपुरा जो त्रिपुरा जो खानसा खाने बगे बुआग्रा दे जी त्रिपुरा मथानी जो लीडर्स जैसे गई सामुखलाइन जी सिखला ब्री मथा बेबाग नो सामुखलाइन जी टी एफ बर्ग गाहम सामुखलाइन जी दफान फ्लैन आं कहने जी बहुत मेरी नो जी बुबाग्रा खुलमें जो मीडिया का कक्ष हमजाकना चीबाई आखिरी बमते जरा भाई सबका आम सारा त्रिपुरा वासी ना जो सी जी आई पी एफ टी आम आई डब्ल्यू एफ टी जेनरल सेक्रेटरी हिसाब और आम नय दस दस एगारो मास चलिए दूँ बर्तमान मैं यह बोलो सामने फैबा आर आई डब्ल्यू एफ टी जी एस दंग पद बैसी जो दंगा जी याफाकलानी हाथी अलरेडी कमा थका बड़क से गुरी जो सबाई पलिटिक्स खाई जो पलिटिक्स खाने नंगरमानी एक्चुअली जो दफानी सामने जो खाई दंगने से नंगरमानी से तब जी आई पी एफ टी जे कंडीशन तब जेटी दंगनी बाग नई थानो जी बुमा बुफा गुरी बसा बुतर विभ्रांत जाऊ कबर जाऊ दंगमानी हाई मलाम जाऊ दंगमानी जरा दंखा अब बगे दिन जो बुबाग्रामी नाइकलमानी बिशंती के बुबाग्रामी थानी जो फैनानी जो दिन बाप दमा बाप दमने कारण नंखा आम फोर्टी सिक्स कन्स्टिटुएंसी सहते जी अलरेडी बै इलेक्शन चलना और बै इलेक्शन बगे जो याप्री मारी रहा दिन आई पी एफ तीन हमजा गया थानी कौ गया तन बारे आई पी एफ तीन जो तब हमजा दुई हजार नय निशी दिन चौदह बस दरिया फाइट खाई दिन त्रिपुरालैंड कर्म सवैया हमें दिन जी एन सी सारन जो तब गरम खाई बजे आकट जी बारे त्रिपुरा हावी बारे टूमान बारे फिबा बी रीति नीति किसा आम चालीयानी बारे जो आजाद दायित्व मानिया जो दिन जी आई पी एफ टी खा आई पी एफ टी जो दायित्व मानिया अब बारे जो दिन त्रिपुरा मथा जैन जो जो महाराज कक सालने फैसा कक सालमान बिशंती खाई तब जो जैन दिमानी थाना टाइय आम डिविशन सी एस सी मेम्बर फैजा अलरेडी जो बरम गोनां मानवेंद्र देव बर्मा आई डब्ल्यू एफ टी डिविशन सेक्रेटारी दंग प्रेसिडेंट दंग जो बुरी रप सपै मानिया जो दिन वाटी नम्बर बिशंग लामा लामपलखनाव फैमानी गारी रपनी ब्लक हुई दंजा अब बिशंतीफान जो तब सपै लेखा अब आम आसुक कक्सा मिथाइया आसुक आम हाइन ओरई परई उन तमानी ना जो तब महाराज जी महाराजा ने बिशंती खाई जो बसकांग आदर लाइना तई जी जे कैंडिडेट नो जो दाखलै जैसा खाईन त्रिपुरा मथानी गुमे जो पाईरी जय जुक्त खाईने दिन मारा मथाने कब आसुकन खुलबाई था दिन जे धरक जयनिंग खाने त्रिपुरा मथा जे धरक आई पी एफ सी खरग बस मेम्बर फैगा जो जी आने डिविशन हल डिविशन दंग फिबा और तब फिफ्टीन जना जो फाइका गाय थी फाइका हर ने बारे जो सबा मानसला दिया दिन जो एटलिस बुबाग्रा बैठे कक्स सालेना फैमानी से इनके तब प्रेस जो फ्लैपाई लेखा
आगामी दिन खाने खाने जो डिविशन हम बुबाग्रानी नाहर मूंग नाइसी दंगो बस्तांगो जो फैबाई ना माने आशा चौत्रिसा डिविशन दंग जिन आई पी एफ टीओ चौत्रिसा डिविशन जो बुबाग्रानी नाहर माने हमजागे जो खा जाबी दंग खा जबई दंग फैनने बगे फैयाबा तमने बगे फैमिया आम जिन विशा केदे मूंगे दंग और जिन विशेष लाइए जिन एम एल ए सिब्रम कगन तुब जो खाइमैया नरे मैया दंग आबनी बारे नेबाग दिगे जो थानो जो जिन आई पी एफ डी रो डिप्राम खाई अब आम सौन फैनने बारे आई पी एफ डी बै दो आगामी दिन आई पी एफ डी तो दंग अब तो तई सामने को परीक्षा तब जे दुईटा लबी हुई दंगी आबनी विशिंग फानो जे सरकारी चाक्री लुब बसा दंगे मानो न खूब नि बगे फाना बसा दंगे मानो फिसारी मानने बगे दिन चाक्री मानने बगे दिन एक सैड सरकार पक्षे एलायस सरकार दंगे दंगानी बरफ दंगे दंगे मानो फिबा जिन जाति दफान रक्षा खाने थे जो आजारा दंगे इंडिया जो जिन महाराष्ट्र की लामा जो थी महाराष्ट्र की आसल सामो सारा त्रिपुरा राज्य खाई दंग एमक लंडन थे एमक दिल्ली विज्ञान भवन महाराजा आसू पक सौ दंगानी जिन बगे कि जिन आई पी एफ टी पार्टी सरकार फैमानी यागुल जिन एन सी सार नेतृत्व जे एन सी सार वाइसान त्रिप्रामलैंड सम्बन्धे केबिनेट वाइसान पक सको विधानसभा आबनी बगे आसिशन बारे में जो तबू अतिप्रामलैंड यागारे जो तबू बेटर त्रिप्रामलैंड दिखे जो लाने लाइजा गोबाग्रामी मैसेज किया तुमने चाहिए ये एक ही मैसेज है जो मेरी आया है पूरे डिवीजन आया है कमलपुर तक सुरमा इलेक्शन में मेरे प्रार्थी भी यहाँ में ये लोग हेल्प करेंगे मेरा पॉइंट एक ही है मैंने हमेशा अपने भाषण में और आई होप आप लोग ये सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर की प्रसा को ये बात दिल के अंदर जाना चाहिए पावर हमेशा नहीं रहता लाल बत्ती हमेशा नहीं रहती त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा पावर किसने देखा मेरे परिवार ने देखा माणिक्य डायनेस्टी ने देखा महाराजा के परिवार ने देखा तब एक टाइम आया जब मुझे अगरतला में ही बेइज्जती किया गया मेरे पिताजी को बेइज्जती किया गया हमारा ज़मीन ले लिया गया नीर महल ले लिया गया उजंता पैलेस ले लिया गया सामने में उजंता पैलेस के सामने खुदीराम का पोस्ट लगा का स्टैचू लगा दिया गया जो भी है एक टाइम आया कि हमारा पावर भी गया और हमने 1000 साल तक त्रिपुरा में हमारा परिवार का शासन था तो ये बात सबको समझना चाहिए कि ये जो पावर है ये परमानेंट नहीं होता मेवार इतने साल तक मिनिस्टर था एनसी देवर्मा मिनिस्टर है मैंने हमेशा बोला जब माधवबारी का एक्सीडेंट हुआ था मैंने एनसी देवर्मा को फ़ोन लगाया मैंने कहा कि एनसी बाबू आप थोड़ा सा अपने तिपरासा के साथ सॉलिडारिटी दिखाइए क्योंकि अगर आप अपना इस समय अगर आप सॉलिडारिटी नहीं दिखाते माधवबारी में शूटिंग के बाद हमारे लोगों को मारा गया तब आप अपना तिपरासा के संग गद्दारी कर रहे हैं उस समय एनसी देवर्मा ने मुझे कहा था कि हमारा एक कमिटमेंट है बीजेपी के साथ 5 साल का सरकार चलाने का चलिए मैंने मेवार को बहुत बार बोला कि आ जाओ मेवार चुप रहा लेकिन जिस दिन मेवार ने थानसा के बारे बात किया तो एक तरफ से बीजेपी ने उसको मंत्रिमंडल से निकाला और वहाँ में एनसी देवर्मा ने उनको पार्टी से दूर कर दिया इसका मतलब क्या है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि तिपरासा का थानसा हो ये लोग हमारा थानसा से डरते हैं क्योंकि अगर थानसा हो गया तो तिपरासा और स्ट्रांग होगा तिपरासा स्ट्रांग होगा तो जो ये एक पूरा मोनोपोली है
वो कमजोर होगा, हम लोगों को कमजोर करने के लिए लोग थानसा नहीं चाहते। अब आप देखेंगे आने वाले थोड़े दिन में, मुझे नहीं लगता कोई लोग अब आईपीएफटी में रहेंगे, या फिर बहुत लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे, जैसे मेरी ने बोला है, उनको लगता है कि बीजेपी में जाकर थोड़ा सा नौकरी मिल जाएगा, शायद फैसिलिटी मिल जाएगा, या फिर जो लोग दोहा के बारे में चिंता करते हैं, जो लोग तिपरालैंड ग्रेटर तिपरालैंड के बारे सोचते हैं, वो तिपरा मोथा में आए। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जब हताई कोतौर में रोड ब्लॉकेट हुआ था, सबने पैसा दिया, सबने सैक्रिफाइस किया, मैंने, आप लोग जानते भी नहीं, मैं कांग्रेस में था, मैंने खुद उस समय एनसी देवर्मा को 50,000 रुपीज भी दिया। एक सेंटिमेंट था, एक इमोशन था कि हम लोग अपना दफा के लिए कर। आज क्या जवाब देंगे, 4 साल में असेंबली में बैठकर आप क्या बोलेंगे, आपने एक बार भी तिपरा लैंड के बारे में बात नहीं की। हमारा तिपरा मोथा को देखो, पावर में आने से पहले हम लोग ने ग्रेटर तिपरा लैंड बोला, पावर में आने के बाद भी हम लोग और जोर से ग्रेटर तिपरा लैंड बोल रहे हैं, सिर्फ अगरतला में नहीं, सिर्फ एडीसी में नहीं, हम लोग दिल्ली में बोल रहे हैं, हम लोग लंदन में बोल रहे हैं, हम पूरे इंडिया में बोल रहे हैं। आज ग्रेटर तिपरा लैंड का मूवमेंट सब लोग जानता है क्या है, तो इसको बोलता है लीडरशिप, और वो जो कर रहे हैं वो है कॉम्प्रोमाइज। तो ये लॉजिकल है, स्वाभाविक है कि जो लोग अपने दोहा के संग हैं, इनको भी जवाब देना पड़ेगा, अपने फैमिली को, अपने कामी में जाके इनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आप आईपीएफटी में क्यों हैं, जब आईपीएफटी ने अपना और एजेंडा ही ख़त्म कर दिया। तो ये सिचुएशन है। अब मुझे लगता है कि आने वाले दिन में देखा जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे। रहा बात सुरमा का, एक बीजेपी का आईटी सेल है, वो लोग बोलते रह रहा है कि हम लोग ने नॉन तिपरासा को क्यों टिकट दिया। अब ये लोग शायद बेवकूफ़ है या ये लोग का दिमाग नहीं है, लेकिन ऐसी सीट में हमको ऐसी कोई टिकट देना पड़ेगा। हमने एक हिंदुस्तानी को दिया, 10,323 टीचर के वहाँ से दिया, और हमने फुल कहा कि हमारा आइडियोलॉजी जो ग्रेटर तिपरालैंड का, उसको डाइल्यूट नहीं करेंगे। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग सुरमा से कैंडिडेट नहीं दें। इन लोगों का डिमांड क्या है, डेवलपमेंट। हमको डेवलपमेंट तभी मिलेगा जब हमें ग्रेटर तिपरालैंड मिलेगा। हमको क्या चाहिए, ये लोग बोलते हैं कि ग्रेटर यूनिटी। ग्रेटर यूनिटी क्या 70 साल में नहीं थी? ग्रेटर यूनिटी का मतलब यही होता है कि दशरथ देव का शक्ल दिखाकर नृपेन चक्रवर्ती को चीफ मिनिस्टर बनाए। ग्रेटर यूनिटी का यही मतलब होता है कि जिष्णुकर्ता का शक्ल दिखाकर कोई और मुख्यमंत्री बने। ये सब लॉलीपॉप। हम लोगों को अपना तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ देना है। जब तक हम लोग अपने तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ नहीं देंगे, हम लोग का ये परिस्थिति रहेगी। हम लोग ने आज तक कोई कम्युनिटी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तानी चा बागान में काम करता है, उसका भी सिचुएशन अच्छा नहीं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ने ना हिंदुस्तानी के बारे सोचा, ना तिपरासा के बारे सोचा, ना माइनॉरिटी के बारे सोचा। मैं तो एक बात और बोलूँगा, ये लोग लॉलीपॉप दिखाते थे कि अनिल सरकार बनेगा, सीएम बन जाता था मानिक सरकार। तो ये त्रिपुरा में बैलेंस नहीं है। हम चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक प्रोटेक्शन रहे हम लोगों को, लोगों के लिए, और ये है हमारा ग्रेटर तिपरा। और जो लोगों को पैसा कमाना है वो पैसा कमाएंगे, और 6 महीना बाकी है, 6 महीना तक पैसा कमाओ, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे आप? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल हर तिपरासा जिसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन है कि हाँ कुछ मिलेगा हमें, बुबागरा कुछ देगा, तिपरा मोथा कुछ देगा, इसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। अगर पावर चाहिए था मुझे, पोजीशन चाहिए था, तो मेरे पास बहुत ऑफर आ गया था बीजेपी से, लेकिन मैं अपने लिए फाइट नहीं कर रहा, मैं अपने तिपरासा के लिए फाइट कर रहा हूँ, और मैं अपने तिपरासा को कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ।
ये मेरा स्टेटमेंट है। बीजेपी बोलता है कि वो हमारे एमडीसी को खरीदेंगे, खरीदने दो, वो 7 को खरीदेंगे मैं 100 पैदा करूँगा, वो 100 को खरीदेंगे मैं 1000 निकाल के लाऊँगा, वो 1000 को निकालेगा तो हम 1,00,000 पीपरसा को निकाल के लाएंगे। ये मूवमेंट लीडर का दरकार नहीं है, ये लीडर में बुमा बुरोई चला बुरा तिप्रासा का आशीर्वाद चाहिए। ये मूवमेंट इस वक्त तिप्रासा, ये मूवमेंट किसी को एमएलए या नेता बनाने के लिए नहीं है, ये मूवमेंट है फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। इसमें हम लोग सब मिलके चा बगान का वर्कर हो, तिप्रासा हो, मणिपुरी हो, और जो भी हमारा बंगाली हो जो हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को मानता हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोग का फाइट है, सब लोग एक होकर कुछ न कुछ अपने त्रिपुरा को देंगे। तो बगला कुछ दिन पहले रेस्पेक्टेड एमपी रेपुरी त्रिपुरा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब आप लंदन में था तो त्रिपुरा माता साइलेंट में था, और इसने बोला था कि त्रिपुरा माता एक व्यक्ति निर्भर पार्टी है, तो इसके बारे में इस स्टेटमेंट के बारे में आप कैसे देखते हैं? एक व्यक्ति निर्भर पार्टी बोला था तो क्या मोदी सरकार क्या है? आज बीजेपी में मोदी सरकार बोलता है तो वो भी तो एक व्यक्ति निर्भर पार्टी है। आप मोदी नरेंद्र मोदी जी को हटा दीजिए, रेवती नहीं जीतेगा। आज आप गांधी को कांग्रेस से हटा दीजिए, कांग्रेस 2 मिनट पर टूट जाएगा। ममता बनर्जी को आप तृणमूल से हटा दीजिए, 2 मिनट पर तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगा। शिवसेना से ठाकरे को हटा दीजिए, 2 मिनट पर खत्म हो जाएगा। तो हर पार्टी में एक लीडर होता है जो पार्टी को एक रखता है। रेवती भी ये बात जानता है, इसी के लिए हर बात में अब की बार बीजेपी सरकार, क्योंकि मोदी बीजेपी से बड़ा है, रेवती भी एक्सेप्ट करता है। आज हर पार्टी में एक लीडर होना चाहिए जो पार्टी को एक रखे। तो ये मेरा क्लियर स्टेटमेंट है, रेवती ने ये बात कहा है, ठीक है, ये रेवती का व्यू है और मैं रेवती के व्यू से अलग नहीं हूँ। हाँ, मैं आई एम ए लीडर इन त्रिपुरा मोथा, और जब तक प्रद्युत माणिक्य जिंदा है मैं अपने आइडियोलॉजी में और अपने त्रिपुरा साह के साथ, अपने त्रिपुरा के लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज और गद्दारी नहीं करूँगा। ठीक है।